हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज लेसन नंबर 4। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज मुझे थोड़ा लेट हो गया क्लास लगाने के लिए और लेसन नंबर 4 अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं इंडिया जा रही हूँ 2 दिन बाद और मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, तो इसीलिए मैं मिर्दिफ मॉल गई थी। मैं जस्ट अभी घर आई हूँ। अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं अभी बनाने लगी हूँ आपके लिए वीडियो, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा आधे घंटे में, फटाफट मैं इसे अपलोड कर दूँगी। आई होप हमारा आज का दिन वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं करती हूँ अपने स्टोर में लॉगिन। ये मेरे पास एक स्टोर है, ठीक है? तो मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है। अब आपका जब आपका स्टोर बन जाएगा, जब आपका अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बन जाएगा, तो ये पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। आज का टॉपिक हमारा है लिस्टिंग, तो हम लोग आज करेंगे फर्स्ट टाइप की लिस्टिंग जो है जेनेरिक। तो सबसे पहले हम लोग अपना अमेज़ॉन का नॉर्मल यूएई अकाउंट खोलेंगे। अमेज़ॉन यूएई में जो ये मेन अमेज़ॉन का पेज होता है ना, जहाँ से हम लोग परचेज करते हैं, हम वो करेंगे, ठीक है? हम लोग कर रहे हैं जेनेरिक लिस्टिंग, मतलब वो प्रोडक्ट जिनकी कोई लेबल नहीं होते, कोई ब्रांड नहीं होता, ठीक है? याद है ना, कल मैंने आपको समझाया था। तो हम यहाँ पे देखें, हम जाएंगे, चले कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। मैं जाती हूँ बेस्ट सेलर में, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए सारी कैटेगरीज हैं साइड में, अप्लायंस हैं, ये तो जो है कंप्यूटर के बेस्ट सेलर हैं, लेकिन यहाँ पे साइड में आप देखिए फैशन, ब्यूटी, बेबी प्रोडक्ट सब हैं। तो चलिए मैं देखती हूँ ब्यूटी में। ब्यूटी में हम लोग देख सकते हैं, चलिए सलोन एंड स्पा इक्विपमेंट कुछ देखते हैं। तो ये जो हैं, ये हैं बेस्ट सेलर्स इन सलोन एंड स्पा इक्विपमेंट, ये जो हैं सबसे ज़्यादा बिकते हैं। सपोज चलिए हम लोग ये कैप, ये जो स्टीम की कैप होती है, नंबर 3 पे है, बेस्ट सेलिंग में है और इसका प्राइस है 19। इसको ओपन करते हैं, ठीक है? अब आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम क्या लिखा हुआ है, हेयर स्टीमर कैप थर्मल ट्रीटमेंट ब्यूटी स्टीमर स्पा कैप हेयर केयर नरिशिंग। ब्रांड कौन है? कोई नहीं है। बेच कौन रहा है? हिप्पो यूएई, सोल्ड बाय हिप्पो यूएई। लेकिन बहुत सारे और भी लोग बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि इस प्रोडक्ट का कोई नहीं है, ये है अदर, मतलब जेनेरिक। अब हम क्या करेंगे, हमें भी यही प्रोडक्ट बेचना है, हमें जेनेरिक लिस्टिंग करनी है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से सेल ऑन अमेज़ॉन, दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ, देखो इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये उसकी लिस्टिंग यहाँ पे आ चुकी है, जो बेच रहा था उसकी लिस्टिंग यहाँ आ चुकी है। अब मुझे अपनी लिस्टिंग बनानी है नीचे इसके। अब मुझे यहाँ पे देना है सेलर्स को। सेलर्स को का मतलब होता है कि आप अपनी जो इन्वेंट्री है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप कुछ यूनिक नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं बोल दूंगी ये मेरी पहली लिस्टिंग है, ठीक है? तो मैं लिख दूंगी सपना स्टोर 01, ठीक है? ये मेरी पहली लिस्टिंग हो गई। मैं प्राइस कितना रखना चाहती हूँ, इनका प्राइस कितना है, इन लोगों मतलब लोएस्ट प्राइस है 19.5 है, चलो मैं भी मैच कर लेती हूँ उसको, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा रखूँ तो हो सकता है लोग ना लें या फिर लें भी, ठीक है? क्वांटिटी मुझे कितनी रखनी है, सपोज़ मैं 10 पीस रख देती हूँ, ओके 10 पीस मैंने लिस्ट करने हैं, ओके कंडीशन न्यू। अच्छा, अब फुलफिलमेंट चैनल, आपको याद होगा लेसन नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया था FBA और FBM का मतलब, लेसन नंबर 2 में, सॉरी FBM में, जहाँ पे FBM में मर्चेंट करता है, देखिए, और FBA में अमेज़ॉन करता है। हम सिलेक्ट करेंगे मर्चेंट। आप सिर्फ देखिए, मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। हमेशा हम लोग सिलेक्ट करेंगे मर्चेंट पहले और सेव एंड फिनिश, ओके। तो हमारी जो लिस्टिंग है वो हो गई है सबमिट। योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड। यहाँ देखिए आप इन्वेंट्री में जाएंगे और मैनेज ऑल इन्वेंट्री करेंगे। नहीं, ये मेरी एक पुरानी लिस्टिंग है, तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, एडिट।
हम लोग मैनेज इन्वेंट्री पे जाएंगे। ये देखिए, ये जो मैंने स्कू दिया था सपना स्टोर 01, ये स्कू दिख रहा है आपको? अभी मेरी ये लिस्टिंग इनकम्प्लीट है, अभी मुझे इसे कंप्लीट करनी है। तो मैं इसे कैसे कंप्लीट करूंगी, ये देखिए आपको यहाँ पे ये एडिट दिख रहा है, ठीक है, मैं एडिट पे प्रेस करूंगी। ओके, अब मैं एक एक करके सब चेक करूंगी, हर पेज पे चेक करूंगी कि क्या मिसिंग है। अब ऑफर देखते हैं, ये मेरा स्कू जो है ये अच्छा, कभी भी आप याद रखें ये जो सेलर स्कू है ना ये चेंज नहीं होता है, तो ये एक बार आपका बन गया तो बन गया, ये लॉक हो जाता है, ठीक है। अब हमने इसका प्राइस भी रख दिया था, अब आपको इसके ऊपर कोई सेल लगानी है क्या, तो आप इसके ऊपर सेल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि 13 जुलाई से 12 जुलाई तक के सेल कितनी रहेगी, ये 10 दिरहम में रहेगा, ठीक है, ऐसे हम लोग डाल सकते हैं। 13 जुलाई से 15 जुलाई तक के ये सेल रहेगी। तो ये सारे देखें रेड रेड जितने भी एरर थे वो हट गए। तो इस टाइम पीरियड में 13 जुलाई से 15 जुलाई तक के इसकी प्राइस 10 दिरहम रहेगी, तो ये मैंने सेल लगा दी, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, ये सब आप छोड़ दें, ये आप छोड़ दें, कुछ भी ऑफरिंग कैन भी कुछ नहीं बिल्कुल ध्यान नहीं दें। यहाँ स्टार्ट सेलिंग डेट इसको आप डिलीट ही कर दें, कुछ ना लिखें, कुछ लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हम लोग हो गया, ये हो गया, ओके, रिकमेंड रिटेल प्राइस, इसको आप सेट लार्ज यहाँ पे आप क्लिक कर दें, बस इक्वल टू 19.55, मतलब जो हम रिटेल प्राइस रख रहे हैं वो जो हमने प्राइस डिस्कस किया है उतना ही रहेगा इस चीज का। और ये क्या है, ये सेल प्राइस है, अगर हमें लगानी है तो ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इमेजेस पे जाएंगे, इमेजेस तो इन लोगों ने वही उठा ली है जो लिस्टिंग उन लोगों ने की हुई थी। डिस्क्रिप्शन, अब आप डिस्क्रिप्शन में इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो या तो आप वहीं से उठा लें उसकी लिस्टिंग में से, या तो आप एक काम करें कि चैट जीपीटी से आप डिस्क्रिप्शन उठा सकते हैं। आप चैट जीपीटी खोलिए, ठीक है, चैट जीपीटी खोलिए। चैट जीपीटी खोलने के बाद आप यहाँ वापस आइए, ये आपको टॉपिक जो आपका इसका हेडिंग है, आपके प्रोडक्ट का जो नाम है वो लीजिए और चैट जीपीटी में लिखिए गिव मी अ गुड डिस्क्रिप्शन फॉर, किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, पेस्ट कर दीजिए। ये आपने पेस्ट किया और ये आप सेंड कीजिए। अब देखिए आपको चैट जीपीटी इतना बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख के देगा, देखिए ये इसने आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिख दिया। आपको कोई इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा अच्छा लिखना आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, चैट जीपीटी आपका पूरा काम कर देगा। आप इसको यहाँ से पूरा कॉपी करें, कॉपी, और आप वापस लिस्टिंग पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में आप इसको पेस्ट कर दें। कर दिया पेस्ट। अब की प्रोडक्ट फी, अब आपको डिस्क्रिप्शन आपका हो गया, अब आपको इस प्रोडक्ट के बारे में इसके की फीचर्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी, मेड ऑफ क्वालिटी मटेरियल, ठीक है। आप दूसरा लिख सकते हैं यूजेस लेस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, फिर आप इसमें अगर आप चाहें तो और ऐड भी कर सकते हैं की प्रोडक्ट फीचर्स, और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसमें आप और ऐड कर सकते हैं ब्यूटीफुल पिंक कलर, और ऐड करना है तो ऐड मोर कीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग और, मेक्स द हेयर क्वालिटी गुड, ठीक है।
अब ये मैंने चार की प्रोडक्ट फीचर्स दे दिए। अब मुझे लीगल डिस्क्लेमर नहीं, ये कुछ देने करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ये छोड़ दीजिए। अब कंप्लायंस पे आइए, ये हमें कुछ बैटरी वैटरी नहीं है हमारे पास, तो इसको भी हमें कुछ नहीं करना है। वाइटल इन्फो, यहाँ पे देखिए कुछ आपको कलर देना है, आप पिंक कलर दे दीजिए, ठीक है। साइज़ अगर आपको देना है तो कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वेरिएशंस कोई और कलर का है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं, नो नीड। मोर डिटेल्स में देखिए फिर लास्ट में क्या है। तो हमें बेसिकली ये जो पूरे है ना, ऑफर, कीवर्ड्स, इमेज, डिस्क्रिप्शन, ये सब हमें फिल करना है जहाँ जहाँ ज़रूरत है। मोर डिटेल्स में देखिए जो ज़रूरत है हम सिर्फ उतना ही करेंगे। शिपिंग वेट, आइटम डिस्प्ले वेट, ये अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम बाद में इसको लेबल्स लगाते हैं उस समय हमें ये पूछ सकता है, फ़िलहाल ये कुछ नहीं हमसे पूछेगा शायद। मटेरियल टाइप कुछ ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। पैकेज डायमेंशंस हम लोग दे सकते हैं, पैकेज की लेंथ कितनी है। सो फॉर एग्जांपल पैकेज की लेंथ हमारी 15 इंचेस, पैकेज विड्थ 20 इंचेस, पैकेज हाइट 10, जो हमारा बॉक्स है उसकी ये साइज पूछ रहा है, ठीक है। अभी भी दे सकते हैं, ना तो ना भी दें, बाद में लास्ट में जब हम अपना शिपमेंट करते हैं उस समय भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सारा। मैंने क्या किया, मैंने ये सारी चीज़ें फिल कर दी। अब मैं यहाँ पे करूँगी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी दे दी है, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है यहाँ पे। हम लोग इसे कर देंगे सेव एंड फिनिश। ये बोलते हैं कि द योर चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन 12 आवर्स, बट बेसिकली 5-7 मिनट के बाद हम लोग जब चेक करेंगे तो ये हमारी एक्टिव हो जाएगी लिस्टिंग, ओके। हम लोग चेक करते हैं, डन। तब तक हम लोग देखते हैं, ओके, क्या बोल रहा है। हेयर स्टीमर थर्मल ट्रीटमेंट, ओके, योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, हमने ये अपडेट्स को सबमिट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये ऑलरेडी आई थिंक एक्टिव हो गई है हमारी, हाँ जी। देखिए सपना स्टोर 01, ये हमने स्क्यू किया था, राइट, ये देखिए ये एक्टिव हो गई। एक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब अब ये अमेज़ॉन पे दिखने लगेगी एड। चलिए देखें, दिख जाएगी हमें। अब देखिए यहाँ पे एस्टिमेटेड फ़ी, ये अमेज़ॉन ने अपनी फ़ी बता दी है कितना लेंगे हमसे, और ये 10 दिरहम सेल का भी इन्होंने बता दिया है कि हम लोग लगाने वाले हैं सेल। और ये देखिए हमारे 10 यूनिट्स अवेलेबल हैं, हमारी लिस्टिंग हो गई है एक्टिव, अब ये कस्टमर परचेस कर सकते हैं। ये अब मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो ये है ही नहीं। लेक्चर जिसमें हमने सीखा कैसे हम जेनेरिक प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, अदर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, कल मैं आपको सिखाऊंगी प्रोडक्ट हंटिंग या तो फिर MPL, माइक्रो प्राइवेट लेबल। आप प्लीज़ सारे लेक्चर ध्यान से देखिए ताकि आप एक एक करके लिंक को ज्वाइन कर पाएँ, और जो भी है मेरे YouTube चैनल को 644 सब्सक्राइबर्स, वाओ यार, सो ब्यूटीफुल। आप लोगों ने इतना जल्दी सब्सक्राइब किया, इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। मेरे 3 वीडियोस दिख रहे हैं अभी, 1, 2, 3, अभी 4th मैं डाल दूँगी फटाफट से। एंड जो वीडियो है उसका नाम है लिस्टिंग द जेनेरिक और अदर प्रोडक्ट, ठीक है, मी टू, हाउ टू डू मी टू ऑन अमेज़ॉन। एंड देन फिर हम कल मिलते हैं जिसमें मैं आपको MPL सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।